मध्य प्रदेश उपचुनाव 2020 में कांग्रेस ने इस सीट पर बदले उम्मीदवार, ये होंगे नए प्रत्याशी। दोस्त स्वागत है आपका एमपी न्यूज लाइव में और मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इस सीट पर बदले उम्मीदवारों को, ये हैं नए प्रत्याशी। कौन सा प्रत्याशी को बदला गया है और क्या है जानकारी, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दर्शकों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के धार जिले की बदनावर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। युवा नेता डॉक्टर अभिषेक सिंह राठौर टिंकू बना की जगह ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कमल सिंह पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है। धार के कांग्रेस जिला अध्यक्ष बाल मुकुंद गौतम ने मीडिया से इसकी पुष्टि की है। कांग्रेस की दूसरी सूची में 9 प्रत्याशियों की घोषणा की गई थी। इस लिस्ट में बदनावर विधानसभा सीट से अभिषेक टिंकू को टिकट दिया गया था। कांग्रेस ने घोषित प्रत्याशी अभिषेक टिंकू को टिकट मिलने के बाद से ही पार्टी के अंदर विरोध के स्वर उठने लगे थे और मामला भोपाल तक पहुंच गया था। इस पर चर्चा के लिए कमलनाथ व दिग्विजय सिंह ने उन्हें भोपाल बुलाया था, जहां उन्हें सर्वे के आधार पर प्रत्याशी बदलने के बारे में बताया गया था, जिसके बाद से ही इस सीट पर प्रत्याशी बदलने की चर्चा तेज हो गई थी, जिसके बाद कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। कांग्रेस के एक नए प्रत्याशी के बारे में बताया जाता है कि उन्हें कानवन क्षेत्र का कांग्रेस का वरिष्ठ नेता माना जाता है। कमल सिंह पटेल के पुत्र भगवान सिंह पटेल ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, जबकि स्वयं पटेल करीब 30 साल से लगातार ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।